जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। तो उसके उपलक्ष में मैं ये अपने लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अभी भी जैसे 2 तारीख को हम लोगों ने जन आंदोलन किया, सामाजिक आंदोलन में भागीदारी करी, ऐसे हमें पूरे अपने संख्या के साथ पूरे संख्या बल के साथ पूरे आंदोलन को पूरे देश में जोरों शोरों पे करना है। अगर हमारे इस आंदोलन से भी अगर हमारे सरकार पे फर्क नहीं पड़ता, वो इस चीज़ पर फिर पुनर्विचार नहीं करती हमारे SC ST एक्ट के विरोध में जो उन्होंने निर्णय लिया था, तो हम लोगों को फिर दोबारा से सड़कों पर उतरना होगा और जन आंदोलन करना होगा। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को आरक्षण जो दिया था, वो सामाजिक जो हम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसे देखते हुए दिया था। तो जो आरक्षण हमें मिला है वो किसी की भीख नहीं है, वो हमें अधिकार है जो संविधान हमारा देता है। तो हम लोगों को संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। संविधान के उस पर मैं एक कबीर साहब का दोहा है वो बोलना चाहूँगी, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख, मांगन से मरना भला, ये संविधान की सीख। तो हम लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, जो हमारा अधिकार है वो हम लोगों को मिलेगा, लेकिन हम लोगों को बस उसे जानने की देर है। हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष लोग हैं, हमारे भारत की जो मूल निवासी जनता है, बहुजन समाजवादी जनता है, तो उस चीज को अपने अधिकारों को जानना है, तो फिर हम लोगों का ही शासन रहेगा और हम लोगों का ही विकास होगा और उससे हमारे पूरे देश का विकास होगा। तो हम लोगों को उस चीज़ की ओर ध्यान देना है और अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। आज हम दुश्मन की विचारधारा को ज़्यादा अपनाए हुए हैं, तो हम लोगों को दुश्मन की विचारधारा छोड़कर अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 3 मंत्र थे, वो तो सभी को याद है, कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन वास्तव में उनका मतलब क्या था? शिक्षित बनो यानी दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखो। तो हम लोगों को शिक्षा से दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और संगठित रहने का मतलब अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए हम लोगों को संगठित होना है। जिस दिन हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए संगठित होंगे, उस दिन हमारा विकास खुद ब खुद आगे होगा। और संघर्ष करना यानी राजनीति में, सत्ता में अपने महापुरुषों की विचारधारा को लागू करने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। जिस दिन हम लोग इस कार्यवाह को आगे बढ़ाएंगे, इन विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, उस दिन हमारा विकास कोई नहीं रोक सकता। और जैसे कि आज हम लोगों के साथ शोषण हो रहा है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो संविधान के अकॉर्डिंग पद तो उन लोगों ने ले लिए, लेकिन संविधान का उल्लंघन पूरी तरह कर रहे हैं, लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि एक दोहा भी है, जो तू सच्चा बानिए सबसे एक सा बोल, ऊंच नीच को छोड़कर एक बराबर बोल। ये दोहा हमारे कबीर साहब ने बहुत पहले दिया था। यानी जब हम लोग संविधानिक पदों पर बैठ जाते हैं, तो हम लोगों को किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना किसी से हम लोगों को ऊंच नीच पे, अमीरी गरीबे पे भेदभाव करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारे जनता का विकास होगा। तो हम लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो अगर संविधान के अकॉर्डिंग चलें, तो हमारा विकास खुद ब खुद संभव है। इसी के साथ ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।